हेलो स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोर्टिंग एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स। इसमें सबसे पहले हम शेयरिंग का टॉपिक करते हैं। शेयरिंग करने के लिए अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो शेयर का बटन यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर मैं क्लिक करता हूँ शेयर के ऊपर तो ये बोल रहा है कि शेयर डॉक्यूमेंट करने के लिए आपको इसको शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो शेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कोई डॉक्यूमेंट हम खोलते हैं, उसको सेव करते हैं। और सेव करने से पहले आपके पास एक चीज़ बता दूं कि आपका अकाउंट होना चाहिए लॉगिन। क्या मतलब, पिछली वीडियो में जब हम क्रिएशन डॉक्यूमेंट कर रहे थे तो हमने कहा था अपना माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के साथ लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे जब आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के साथ लॉगिन होंगे तो आपके पास ये एडवांटेज होगा कि आप अपनी फाइल को क्लाउड पे सेव करेंगे, जो कि लास्ट क्लास में हमने बताया भी था, दोबारा बता देते हैं। उसके बाद जब आप इसको डॉक्यूमेंट पे सेव करेंगे क्लाउड पे तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है कि मैंने कहा कि मैं नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ और यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट बना हुआ है, या हम फाइल में न्यू पे जाते हैं और यहाँ से ये डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी टेम्पलेट से आपने डॉक्यूमेंट ले लिया, अब आप उसके ऊपर शेयर पे क्लिक करें तो यहाँ पे यह बोल रहा है, उस वक्त ब्लैंक डॉक्यूमेंट तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जो जब डॉक्यूमेंट बना हुआ होगा, कंस्ट्रक्ट करा हुआ है, आप टेम्पलेट्स खोलिएगा जैसे मैंने खोला है, तो आप यहाँ लिखा हुआ है टू कॉलिब्रेट। इस पर अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल लोग काम करें इसके ऊपर तो आपको इसको सेव करना पड़ेगा लोकेशन किसी और जगह पे। ठीक है, तो ऑनलाइन लोकेशन बोल रहा है, अदर लोकेशन से मुराद कंप्यूटर नहीं, ऑनलाइन लोकेशन बोल रहा है, तो ऑनलाइन लोकेशन सेव टू क्लाउड, तो यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं सेव टू क्लाउड। या आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम फाइल में सेव एस में जाके यहाँ पे सेव टू क्लाउड कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल मैं इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से सेव कर लेता हूँ, एक मैंने वहाँ से ही करता लास्ट टाइम, अब मैं यहाँ से कर लेता हूँ, सेव टू क्लाउड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये मुझसे पूछा है कहाँ करना है, ये मेरे क्लाउड पे मौजूद है इस वक्त। ठीक है, ये बता रहा है कि अगर आप देखें, ये मैं अपनी ड्राइव में दोबारा से आ जाता हूँ, मैंने कहा कि मुझे इस फोल्डर में जाना है, या तो मैं पूरी ड्राइव में जाके फोल्डर सेलेक्ट कर लूँ, लेकिन लास्ट टाइम पिछली वीडियो में मैंने इस पर क्लिक किया था, तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ और मैंने इसको नाम दे दिया temp890। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब ये कनेक्ट हो गया आपके पास, अब आप इसको शेयर कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ज़रा वन ड्राइव पे लेके जाता हूँ, हम वन ड्राइव पर जाते हैं यहाँ पे और क्लिक करते हैं। ठीक है, temp890 ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये अभी हमने सेव करा था, अभी मेरी वन ड्राइव पे क्लाउड पे सेव आ रहा है। तो आप देखिए, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए। अगर आप वन ड्राइव में मौजूद हैं, मोबाइल फ़ोन के ऊपर मौजूद हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शेयर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करें। अमूमन जो मैंने आपके साथ शेयरिंग कर रही होती है, या मैं अक्सर फोल्डर या फाइलें शेयर कर रहा होता हूँ, तो वो मैं इसी तरह से कर रहा था, क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे शेयर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि एनी वन विथ दिस लिंक कैन एडिट। ठीक है, या स्पेसिफिक पीपल के साथ आप करना चाहते हैं, अलाउ एडिटिंग करना चाहते हैं, सेट एक्सपायरेशन डेट और सेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन प्रीमियम के नहीं है, ये फ्री वर्जन पे नहीं है। ऑफिस 65 के यूज़र हैं, माइक्रोसॉफ्ट 65 के यूज़र्स हैं, तो जब आप ये फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं कि मखसूस एक्सपायरेशन ये एक मुद्दत तक, तारीख तक चलेगा। ठीक है, और पासवर्ड भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आऊँ, स्पेसिफिक पीपल भी आ रहा है हमारे पास। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एनी वन विद दिस लिंक और मैं अप्लाई कर लेता हूँ, अलाउ एडिटिंग को हटा देता हूँ कि वो सिर्फ पढ़ सके, अगर मैं चाहता हूँ कि वो उसे पढ़े और एडिटिंग भी करे, जो कि मेरा मोटिव भी है कि टीम वर्क, कॉलिब्रेशन का मतलब टीम वर्क पे आप चाह रहे हैं कि ऐसी बातें लोग उस पर काम कर रहे हैं, कॉलिब्रेट करें, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप कॉपी लिंक कर लें, ये जनरेट हो जाएगा लिंक, उसके बाद इस लिंक को आप कॉपी कर लें और ये लिंक आप किसी को भी देंगे। फॉर एग्जांपल मैं न्यू टैब पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो कोई भी बंदा होगा वो से इसको इस लिंक को क्लिक करेगा और जाके एडिटिंग करना शुरू कर देगा। ये ऑनलाइन वर्ड खुला हुआ है, ठीक है, ये वर्ड ऑनलाइन है, याद है हमने आपको वर्ड के मुख्तलिफ वर्जन बताए थे, ये ऑनलाइन वर्ड एडिटिंग हो रही है, तो आप
इस पे लेस फीचर्स होते हैं लेकिन आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं। आपको इसे छोटी मोटी एडिटिंग करनी है, ऑल्ट्रेशन करनी है, तो दिस इज़ वेरी गुड। और ये क्लाउड पे सेव होगा क्योंकि आप रियल टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है। आप कराची में आपने ये बनाया है, आपने लंदन के अंदर शेयर कर दिया, बंदा अगला बंदा जो बैठा है वो लंदन के अंदर है, वो जो भी काम करेगा एक ही डॉक्यूमेंट में वो सारा काम होगा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कोलैबोरेशन, क्लियर है। अच्छा, अब ये तो था कि वन ड्राइव से हमने किया। अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट की विंडो पे आ जाऊँ, जो मैं यहाँ पे था, तो यहाँ पे ये भी वही चीज़ आ रही है कि इनवाइट पीपल को कर सकते हैं, और यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं कि कैन व्यू या कैन एडिट, क्या वो देख सकते हैं या से एडिट कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, तो ये आप दे सकते हैं, मैसेज देना चाहें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा आप किसको देना चाहते हैं, एनी वन कैन विद लिंक कैन व्यू या एडिट, ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, या गेट अ शेयरिंग लिंक जो कि हमने वहाँ से करा था। तो ये वो तमाम चीज़ें ये वही हैं कि जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे जाने के बाद जब हमने शेयर करा था तो ये जब आ रही थी सारी। तो ये दोनों देखा ना, मैंने आपको पहले भी वर्ड में कहा था कि एक चीज़ के मल्टीपल तरीके काम करने के, तो अक्सर लोग यहाँ से कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन आना चाहिए, ठीक है, काम करना। जब आपको वन ड्राइव का पता होगा, शेयरिंग करना आएगी, मोबाइल पे इस्तेमाल करें इसको, मैं आपको सजेशन देता हूँ मोबाइल पे डाउनलोड कर लें, ठीक है, कंप्यूटर पे भी ऐप डाउनलोड कर लें, और उसके बाद आप शेयर करें, आप अपने ही दूसरे अकाउंट से लॉगिन करके इसको शेयर करके देख लीजिए, या आप दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए ताकि आपको इस पर काम करना आए, क्लियर है। तो ये तो था हमारे पास शेयर का बटन। अगर आप यहाँ पे जाएँ तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है शेयर का, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इसमें वही शेयर विद पीपल्स के साथ आ रहा है, ठीक है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था। अगर मैं फाइल में दोबारा शेयर पे जाऊँ तो अब यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास थोड़े ज़्यादा हैं, ईमेल पे सेट एस अटैचमेंट। अब याद रखिएगा, इसमें ये वाला ऑप्शन अक्सर डॉक्यूमेंट पे डिसेबल आएगा। जब आप डॉक्यूमेंट को क्लाउड पे सेव कर देंगे तो ये लिंक जनरेट कर लेगा। तो अभी मेरा डॉक्यूमेंट जो है ये 10890 ये वन ड्राइव पे सेव हुआ हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक नया कोई डॉक्यूमेंट खोलता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ फाइल में, और मैं इस पे शेयर पे जाता हूँ और ईमेल पे जाता हूँ, तो ये देखें आप डिसेबल आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेफ इन अ शेयर्ड लोकेशन। तो ये क्लाउड पे सेव होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट पे दोबारा से जाता हूँ। अच्छा, स्विच टैम। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या है कि मैं दोबारा से शेयर में जाता हूँ। शेयर का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये ईमेल की है कि अटैचमेंट भी आप कर सकते हैं, पीडीएफ में सेंड करना चाहिए, तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। इसमें जो लोग चीज़ से वाकिफ़ नहीं है वो है प्रेजेंट ऑनलाइन। आप एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट बनाए, आप बता रहे हैं किसी बच्चों को, तो वो आप ऑनलाइन चले आएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, आप कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इनेबल रिमोट व्यूअर, ये भी अगर आप चाहें कि आप प्रेजेंट ऑनलाइन पे क्लिक कर लें, और अगर आप चाहें इनेबल रिमोट व्यूअर टू डाउनलोड द डॉक्यूमेंट, के जो व्यूअर सामने वाला है, जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे, आप मैं टीचर हूँ, मेरे स्टूडेंट के साथ मुझे शेयर करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट वो देखें भी और डाउनलोड भी कर लें, तो मैं इसके ऊपर इनेबल कर सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैंने कहा मुझे इसे दिखाना है, प्रेजेंट ऑनलाइन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये एक लिंक जनरेट करेगा, वो लिंक जो है आप किसी को भी कॉपी पेस्ट कर दे के दे दें, ईमेल कर दें, ताकि ये जब आप इसको ऑनलाइन होंगे तो ये वो बआसानी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया, कॉपी लिंक कर लें, सेंड ईमेल कर लें। अगर मैं यहाँ पे बिल फर्ज मैंने कॉपी लिंक करके सेंड कर चुका हूँ फिलहाल, ठीक है, तो मैंने अगर स्टार्ट परमिशन करी तो अब ये ऑनलाइन हो गया हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ वो नज़र आ रहा होगा। इसमें मुझे इनविटेशन सेंड करना है, वन नोट के थ्रू सेंड करना है, एडिट करना है, तो मैं सारे काम कर सकता हूँ। अगर जब मुझे एंड करना है उसके बाद मैं यहाँ पे एंड कर दूंगा। दिस इज़ वेरी गुड फीचर, और आजकल तो वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ऑनलाइन के अंदर, आपको जितनी भी रिमोट लर्निंग वाली चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। फाइल में हम दोबारा जाते हैं, इसके अंदर शेयर के ऊपर, आप अगर सर्वर पे कनेक्टिविटी बनाना आपको आती है तो आप इसको वर्डप्रेस पे शेयर पॉइंट ब्लॉक पे भी आप ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं आपको कहता हूँ गो थ्रू करें, स्टेप्स को देखें, आपको भले सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन तरह की चीज़ें नहीं आती, लेकिन आप पढ़ें कि वो कह क्या रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है।
तो इसी तरीके से आपके पास आ जाते हैं हम एक्सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, ये था शेयरिंग। शेयरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करवाना है। इसी तरह हमारे पास आ रहा है एक्सपोर्ट में, सबसे कॉमन चीज़ है कि पीडीएफ। पीडीएफ मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ बहुत ज़्यादा कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि हम अभी बनाते आ रहे हैं। देख, अब ये डॉक्यूमेंट के अंदर फॉन्ट है, और ये फॉन्ट जो है रॉकवेल फॉन्ट है, ये मेरे कंप्यूटर के अंदर है। तो अगर मैं किसी और कंप्यूटर पे लेके जाऊँ तो ये फाइल खोलूँगा तो हो सकता है कि उसके पास कोई और फॉन्ट आए यहाँ पे। तो अगर वो कोई और फॉन्ट है इसके आसपास का, तो मेरा जो स्टाइल है डॉक्यूमेंट का, जो मैंने फॉर्मेटिंग करी है, वो ख़राब हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रिजर्व हो जाए, इसकी जो लेआउटिंग डिज़ाइनिंग है, एलिमेंट्स है, फॉन्ट्स है, प्रिजर्व हो जाए। तो हम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ जो होता है उसमें हम सेव करते हैं। तो हम इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट पे पीडीएफ, क्रिएट पीडीएफ, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और पब्लिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास पीडीएफ आ गया, किसी भी ब्राउज़र फाइल पे खुल सकता है। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस वन, ये पीडीएफ हो गया हमारे पास। एक्सपोर्ट, ये पीडीएफ था। इसी तरीके से हमारे पास चेंज फाइल टाइप भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपको टेम्पलेट में सेव करना है, तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में सवाल आ रहा है कि टेम्पलेट में सेव करो उस डॉक्यूमेंट को, तो ये टेम्पलेट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो टेम्पलेट यहाँ पे आ रहा है। अगर आप पुराने वर्जन में करना चाह रहे हैं इसमें, तो ये डॉक्यूमेंट देखिए डॉट, इसके अलावा ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। इसके अलावा प्लेन टेक्स्ट जो कि टेक्स्ट फाइल होती है, डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन जो होती है, वो ये आती है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास RTF फाइल जो होती है, जो कि वर्ड पैड पे बननी होती है, तो ये सारे एक्सटेंशन है। तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप सारी फाइलों को जाके इसमें चेक किए, इसमें से प्लेन टेक्स्ट, RTF, टेम्पलेट, और देन टेम्पलेट को मैं सेव करके दिखाता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद इसको मैं, ये देखें टेम्पलेट में सेव हो रहा है, मैंने इसको सेव कर दिया यहाँ पे क्लिक। अच्छा, मैं इसको ईमेल कर देता हूँ या किसी भी डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। सो अगर मैं डेस्कटॉप पे जाऊँ तो ये देखिएगा, ये आइकन सबके देखा करें, आइकन चेंज हो जाते हैं। और राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, तो ये आके बाद डॉट डी ओ टी एक्स, ठीक है, जो कि हमने पहली क्लास में इसके देखा था क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर के एक्सटेंशंस क्या होते हैं हमारे पास। कमिंग बैक अगेन टू पावर पॉइंट, सॉरी वर्ड फाइल के अंदर, दोबारा मैं एक्सपोर्ट पे जाता हूँ। और एक्सपोर्ट पे जाने के बाद आपके पास चेंज फाइल टाइप, ये तो वो चीज़ें जो क्विकली आ रही होती हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपके पास सेव एस अनदर फाइल टाइप भी आ रही होती है। ये सेव एस पे भी आ रहा होता है, सेव एस पे क्लिक करें तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स देगा सेव एस टाइप। तो इसमें बहुत सारी फाइलें आपके पास हैं, प्लेन वेब पेज, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट वगैरह, तो इनको ज़रूर देखें। तो इस तरह आपने देखा कि आप फाइल को शेयर कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं। कॉलेब्रेशन कम्युनिकेशन का दौर है, तो इसलिए हमने वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जो कि एक्सपोर्टिंग में होती हैं, हमारे पास शेयरिंग में होती हैं, हमने उसको कवर कर दी है। ठीक है, थैंक यू।